अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था अथवा पंचायती राज सिस्टम के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे दोस्तों उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम सब क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायती राज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे फिर वो एमबीपीएससी हो, यूपी में आरओईआरओ का हो, यूपीपीसीएस का हो, इवन यूपीएससी का हो और पटवारी का हो, या फिर एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, वीडियो का हो, हर जगह पे पंचायती राज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे 3 स्तरीय सरकारी सिस्टम है, या सरकार के शासन करने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक पंचायती राज हमारा जो 3rd नंबर पे आता है ना, तो पंचायती राज से क्वेश्चन हर जगह आते हैं, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, और हर जगह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आप देखना कि हर पेपर में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर आपको पंचायती राज व्यवस्था से मिल ही जाएगा देखने को, तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था जो एक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें, इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है दोस्तों। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है। आपके ऑप्शन है अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 या फिर अनुसूची 9। अब जैसा कि मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में ही बताया हुआ है कि हमारे भारत में, या हमारे जो भारत के संविधान है उसमें प्रारंभ में शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो प्रारंभ में 8 की अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक अनुसूची में हमारे पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। तो आपके ऑप्शन है अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 या फिर अनुसूची 9। अब आपको मैंने जैसे कि बताया कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी और अब 12 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 4 अनुसूचियाँ हैं, जो 4 एक्स्ट्रा अनुसूचियाँ हैं, इन्हें बाद में जोड़ा गया और यही वो 4 अनुसूचियाँ। क्यों? क्योंकि 8 तो थी, तो 9, 10, 11 और 12 ये अनुसूची बाद जोड़ गई, मतलब ये 9, ये 10, 11 और 12 बाद जोड़ी गई। तो इन्हीं में से किसी एक में पंचायती राज व्यवस्था को भी रखा गया है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। क्या सही है दोस्तों? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है उसे संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन दोस्तों एकदम सही है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि पंचायती राज जो है संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है या किस अनुसूची में लिखा गया है। क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के वो पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा बी, 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। अभी कितनी हो गई है? 12। इसका मतलब है कि इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब जब संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है अनुसूचियों को, तो सीधी बात है कि संविधान संशोधन किया हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया है, या फिर उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वां संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा ही क्या है? इसके द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे रखा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया है। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया। अब मैंने आपको बताया कि जब संविधान संशोधन किया गया है, तो संविधान संशोधन किसी न किसी वर्ष में तो किया हो गया है ना, किसी न किसी वर्ष या किसी न किसी ईयर में तो किया हो गया ना, किया होगा। तो उस वर्ष का पूछा गया कि पंचायती राज जो संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज को लेकर, वो किस वर्ष या किस साल किया गया था, उस साल का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, सीधा सीधा लिख के आता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे लिख के आ जाता है ऑप्शन में। यहाँ पे मैंने आपके 2 क्वेश्चन करते हैं, वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद बना रहेगा। आपके ऑप्शन है 1990 यानी 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1992। 1992 में जो हमारा पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है उसे किया गया था। उसे एक वर्ड में क्या लिख के आता है? तो इसे एक वर्ड में लिखा जाता है कि पंचायती राज जो संविधान संशोधन हुआ था वो 73वां संविधान था, यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसे कब किया गया था? 1992 में। तो ये इस प्रकार कुछ ऐसे लिखा जाता है, कैसे? कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992
तो इस तरीके से पूरा तरीका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आप चाहता तो मैं से एक क्वेश्चन भी कर सकता था, लेकिन मैंने दो क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन में पढ़ते हो तो आपको ईयर तो याद रहता है, सॉरी आपको 73rd तो याद रहता है, लेकिन कई बार आप क्या करते हैं फिर आप ईयर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपको वहाँ पे आपको ये याद रहेगा और यहाँ पे आपको ये 1992 याद रहेगा। ऐसे में आपको दोनों चीज़ें याद बनी रहेंगी कि कब किया गया था और किस नंबर का किया गया था, ठीक है। तो 73rd या 73वें नंबर का किया गया था और 1992 या 1992 में किया गया था। इस प्रकार से आपको दोनों चीज़ें याद बनी रहेंगी। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही था। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या, आपके ऑप्शन क्या है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी भाग 4। भाग 4 में, अब आप कन्फ्यूज होंगे भाग 4 के, तो देखिए दोस्तों भाग 4 में क्या है, DPSP। भाग 4 में क्या है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, जिसे हम निर्देशक तत्व बोल देते हैं, ठीक है, निदेशक तत्व बोल देते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे जब हमने DPSP बोल दिया, तो इन्हीं में से एक DPSP जो ये कहता है कि भारत में ग्राम स्तर पर एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो कि ग्राम प्रशासन को चलाने का कार्य करे, जो ग्राम प्रशासन को पूरे तरीके से संभाले, और उसी के लिए किसका निर्माण किया गया, ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बात कहाँ पे की गई है, भाग 4 में की गई है दोस्तों, ठीक है, जो DPSP के तहत आता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये तो समझ ही आ गया होगा कि स्थापना की क्यों गई, तो ये इसलिए इसकी स्थापना की गई ताकि जो हमारा सिस्टम है, जिसमें हमारा कानून व्यवस्था का पालन किया जाता है, जो हमारा विकास किया जाता है, वो दो हिस्सों में ना होकर 3 हिस्सों में हो जाए। और उससे क्या होगा कि जब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होगा पावर्स का, है ना, यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, तो उससे क्या होगा कि जो विकास होगा वो अच्छे तरीके से किया जा सकेगा। क्योंकि सेंटर या स्टेट में बैठा हुआ इंसान दूर दराज के गाँव में क्या जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, वो अच्छे से उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना अच्छे से वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जरूरत को समझ पाएंगे। और साथ में क्या होता है कि कई बार एक ही आवश्यकता हर जगह जैसी एक जैसी जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए यदि कोई गाँव नदी के पास में, तो उसे पानी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हो सकता है उनके यहाँ पे उस नदी को पार करने के लिए ब्रिज ना हो, उसे ब्रिज की आवश्यकता हो। कोई गांव ऐसी जगह पे जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे उन्हें पानी की आवश्यकता है। तो आप एक ही स्कीम के लिए जैसे पैसा अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा है कि आप पंचायती राज या पंचायतों को पैसा दे दीजिए और उनसे बता दीजिए कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, अब जिस चीज़ से पैसा खर्च करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसे पहचानिए और फिर उस पर पैसा खर्च करके उस चीज़ का विकास करिए। तो इसीलिए ताकि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके और अच्छे तरीके से विकास हो सके, इसीलिए पंचायती राज को कहीं ना कहीं लाया गया था। उसका मुख्य कार्य यही था कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, उनको बेहतर तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, धरती पे कार्य किया जा सके, ना कि वो सिर्फ कागजों में या फिर सिर्फ और सिर्फ पन्नों में छप के रह जाए, बल्कि वो धरती में एक्चुअल ग्राउंड में दिखाई दे कि हाँ वो काम हुआ भी है। और इसी कारण से इसको लाने का उद्देश्य भी इसको यही था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या था दोस्तों, इसमें आपका आंसर सही था बी यानी भाग 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के बारे में कहता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की बात की गई है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के बारे में कहता है। मैंने अभी बताया कि भाग 4 की बात की गई है, भाग 4 में है। अब भाग 4 में जब है, तो भाग 4 कहाँ से कहाँ तक आता है दोस्तों, तो भाग 4 आता है आर्टिकल 39 से आर्टिकल 51 तक। कहाँ तक आता है, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 39 से आर्टिकल 51 तक आता है दोस्तों। तो अब इसी के अंतर्गत आता है, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं इसमें बात की गई, यानी कि DPSP के भाग के तहत इसी में कोई एक ऐसा अनुच्छेद होगा जहाँ पे ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है, ठीक है। आपके ऑप्शन क्या है, आप देखते हैं दोस्तों। तो ये है आपका आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 47। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है ए आर्टिकल 40, यानी कि अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कहता है, यानी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन या गठन करने के लिए कहता है या निर्देश देता है। तो इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 40 इसका सही ऑप्शन होगा या सही आंसर होगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, आपके ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, पंचायती राज, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो ये तो देखिए नहीं होगा, मूल अधिकार नहीं होगा, मूल कर्तव्य भी नहीं होगा। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक ऑप्शन है जिसमें पंचायत में पंचायतों की संगठन की बात की गई है, लेकिन अब जब यहाँ पे खुद पंचायतों का कार्यक्रम दिया गया ऑप्शन, तो
तो हम इस पर टिक करेंगे। यदि ये नहीं होता तो फिर हम इसको एक बार सोच सकते थे कि हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि जब पंचायत का कार्यक्रम सीधा सीधा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी पंचायतों का कार्यक्रम, इसलिए अभी हम इसको क्या कर देंगे गलत कर देंगे, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, जे वी पी समिति जिसको बोलते हैं जवाहर, है ना, तीन लोगों ने बताया था ना, ठीक है। तो जे वी पी समिति, और इसका था हनुमंतराव समिति, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है दोस्तों। क्या है इसका ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब क्योंकि जब बलवंत राय मेहता समिति है तो हुआ क्या था कि जनवरी 1957 में, कब, जनवरी 1950 या जनवरी 1957, ठीक है, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने क्या किया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच, है ना, ये जो कार्य कर रहे थे उनकी जांच करने के लिए और बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के उपाय सुझाने के लिए समिति का गठन किया गया था, ठीक है, इन दोनों के कार्यों की लेखा जोखा करने के लिए, उनकी थोड़ा सा जाँच करने के लिए और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 1953 में, ठीक है, कब किया गया था 1950, इसका गठन किया गया था दोस्तों 1957 में किया गया था, ठीक है। तो 1957 में इसका गठन किया गया और 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके बाद ये होता रहा। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो सही आंसर है उसका है ए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, ये मैंने पिछले बता ही दिया है दोस्तों, ठीक है, कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी भारत सरकार को, आपके ऑप्शन है 1955, 1956, 1957 या फिर 1958। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी, ठीक है। उन्होंने उसमें क्या क्या चीज़ें बताई वो अलग बात है, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे इतना डिटेल में अभी, पर जिसका जो सही आंसर है वो है 1957 में, ठीक है, 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि उन्होंने कहा था कि तीन स्तरीय पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो। इसके अलावा कहा कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी समन्वयकारी निकाय होना चाहिए, जिला परिषद अध्यक्ष जिला जिलाधिकारी ही होना चाहिए, और इसमें इन निकायों जो ये जो निकाय हैं इनको शक्तियों का वास्तविक हस्तांतरण मिलना चाहिए, इनके पास वित्त के पर्याप्त स्रोत होने चाहिए, ये सब कुछ इन्होंने अपनी इसमें समिति में रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया, कुछ सलाह मशवरे दिए थे अपनी रिपोर्ट में, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। तो इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपके ऑप्शन है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो चीज़ खराब हो जाएगी ना, फिर तो सारी पावर एक के पास चल जाएगी, वो कहीं ना कहीं तानाशाही डिक्टेटरशिप आ जाती है, कहीं ना कहीं वो तानाशाही जैसा काम हो जाता है, डिक्टेटरशिप वाला काम हो जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में वहाँ का किम जोंग उन जो शासक है वो करते हैं ना, कि जो करना है वो करना, कोई रुक टुक करने वाला नहीं है, किसी ने कुछ विरोध किया तो सीधा मार देना है, तो वो कहीं ना कहीं तानाशाही हो जाएगी, जैसे हिटलर ने की या मुसोलिनी ने की, है ना, हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, या किम जोंग इस समय राइट टाइम मतलब करंट में भी किम जोंग उन है, जिसकी तुलना हम कर सकते हैं अपने मुसोलिनी और हिटलर से, है ना, तो सेम वैसा ही कुछ हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। रोजगार बढ़ाना, ये भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, देश की आर्थिक व्यय को व्यवस्था को अच्छा करना, ये भी नहीं था। तो क्या हुआ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सही ऑप्शन है, और इसको क्या कहेंगे, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर का क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन या फिर विकेंद्री करना, यानी पावर्स को बांट देना, एक व्यक्ति से उठा के पावर्स को बांट देना। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे मान लीजिए अभी ऐसा कुछ है, तो सेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर सारी एक व्यक्ति के पास जा रही है, ठीक है, पावर सारी क्या हो रही है, एक व्यक्ति के पास जा रही है, और जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे सेंटर में, तो है ना, पावर सब एक सेंट्रल हो रही है, सारी सेंट्रल की ओर जा रही है, और जब कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर अब यहाँ से सभी के पास जा रही है, यानी पावर्स जो है क्या हो रही है, सभी के पास जा रही है अब यहाँ से निकल के, है ना, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था दोस्तों, बी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, पंचायती राज के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय प्रोवाइड किए गए हैं, कितने विषय प्रदान किए गए हैं। आपके ऑप्शन है 16 विषय, 24 विषय, 31 विषय या फिर 29 विषय। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को इस समय पर 29 विषय दिए गए हैं। अभी हर राज्य में अलग अलग होते हैं कि राज्यों ने अपने में से कितने विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे संविधान के तहत 29 विषय इनको स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ लागू किए थे, ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, कई बार आता है, इसके आपको ये जरूर याद रखना है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, राजस्थान। तो पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान के एक गाँव है राजस्थान में, जिसका नाम क्या है, नागौर। क्या है, नागौर, यहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। नागौर क्या है, जिला है। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर जिले में से सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था, यानी सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। अब कब किया गया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार आता है। तो कब लागू किया गया, आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1959, 26 जनवरी 1958 या फिर 15 अगस्त 1959। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 2 अक्टूबर 1959 को इसे राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ठीक है, नागौर जिले में लागू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन आता किसके द्वारा किया गया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है, तत्कालीन पीएम या तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था इसी दिन, तो ये दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जिनका जन्मदिन कह रहा था 2 अक्टूबर को, उनका पूरा पक्ष था या उनका ये मानना था कि जो पावर है उनका सेंट्रलाइजेशन ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि राम राज्य की बात करते थे हमेशा कि राम राज्य होना चाहिए, और जो गाँव है उनके पास सारी पावर होनी चाहिए, गांव के पास सारी पावर होनी चाहिए, ना कि सेंटर के पास होनी चाहिए, और उन्हें अपनी समस्या को खुद सुलझाने का हक होना चाहिए, ताकि वो, और उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी पावर को खुद सुलझा सकें। और वो कहीं ना कहीं इसी के पक्ष में थे, किसके, राम राज्य बोल सकते हो, या गाँव के पास पावर के होने के पक्ष में थे। इसीलिए इस दिन को, या पंचायत व्यवस्था जब लाया गया, पंचायती राज सिस्टम जब लाया गया, जिसमें पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और गाँव को, गाँव स्तर पर, मतलब गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर उनको पावर दी जाने में थी, तो इसीलिए इस दिन को चुना गया, जो उनका जन्मदिन था। इसलिए इसको कब चुना गया, 2 अक्टूबर 1959 को ये डेट चुनाई गई, ताकि उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, इस तरीके से, है ना। तो इसलिए ये डेट चुनेंगे, जैसे आप याद रखिएगा दोस्तों कि गांधी जी का एक विजन था कि गांव के पास में पावर हो, गांव के पास में अपना खुद की एक सोर्स हो, स्रोत हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पावर वाली हो, लेजिस्लेटिव पावर हो, ताकि वो खुद का अपना विकास कर सके और अपनी समस्या को सुलझा सकें। और इसीलिए उनके जन्मदिन को चुना गया और इसकी डेट 2 अक्टूबर डिसाइड की गई थी। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री। कहाँ किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था सर्वप्रथम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कितने स्तरीय, मतलब पंचायत व्यवस्था के कितने स्तर है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर एक ही। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों 3, या मैंने आपको भी बताई दिया कि कैसे है। तो ग्राम लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत है दोस्तों, खंड लेवल, ये जिसको ब्लॉक बोलते हैं, खंड लेवल पे है खंड विकास पंचायत, और जिले लेवल पे है जिला पंचायत। ठीक है, जिला लेवल पे कौन सी है, जिला पंचायत। इस प्रकार से 3 है, 3 स्तर इसके बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पंचायती राज व्यवस्था का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इसे फोकस करिए, कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बिल्कुल है, खंड पंचायत, बिल्कुल है, नगर पालिका नहीं है, जिला पंचायत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, सी, यानी सी हमारा जो है, यानी नगर पालिका पंचायती राज व्यवस्था का भाग नहीं है, क्योंकि ग्राम स्तर पर ये होती है, खंड या ब्लॉक स्तर पर ये होती है, जिला स्तर पर ये होती है, तो ये नगर पालिका का भाग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1970 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया, वो समिति कौन थी। ठीक है, वो कौन सी समिति का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, तो ये तो नहीं है, ये तो 1957 में गठित कर दी गई थी, जिसमें 1957 रिपोर्ट सौंप दी, तो ये तो गलत हो गया। हनुमंत राव समिति, ये भी नहीं है। अशोक मेहता समिति, बिल्कुल, तो ये उस समिति का नाम क्या था दोस्तों, उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। ठीक है, कब की गई थी, तो दिसंबर 1970 में की गई थी। किसने बनाई थी, जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी। जनता पार्टी सरकार के पीएम कौन थे, तो जनता पार्टी सरकार के पीएम थे मोरारजी भाई देसाई। कौन थे, मोरारजी भाई देसाई, और इसके उप पीएम थे, इनके समय में 2 उप पीएम आए थे, पहले उप पीएम थे वो कौन थे, एक थे चौधरी चरण सिंह और एक थे जगजीवन राम।
याद रखिएगा कि पहली बार उप प्रधानमंत्री भी चुने गए थे, और उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दो थे, इस समय दो उप प्रधानमंत्री चुने गए थे, एक थे चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे जगजीवन राम। ठीक है, कब बनी थी सरकार ये? 1977 में। एक मिनट दोस्तों, है ना,